हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए और हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, यानी इस वक्त आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ की आपके पर्सन की और आपकी दोनों की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। ओके, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं सिक्स ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर जो साइन है वो है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ मिथुनतुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक नंबर, दो नंबर एंड छः नंबर। या आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। और कोई ना कोई महत्व इन नंबर्स का, इन डेट्स का आपके जीवन में ज़रूर होगा। और क्या महत्व है इन नंबर्स का, इन डेट्स का, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के दरमियान है या कोई नेगेटिव पर्सन है जिसने आप दोनों को अलग किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं, आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं अपने पार्टनर से मिलकर। काफ़ी लंबे समय से आपके मन में ये विचार है कि आपका पर्सन आपसे दूरी जो बना रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से ये सारी दूरियां आ रही हैं आप दोनों के दरमियान, और वो इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप में द डेविल का काम कर रहा है। इसलिए आप सिक्स ऑफ कप्स देख रहे हैं ना हमारे पास है, तो आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं और जो भी गिले शिकवे हैं ना उन्हें मिटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं ताकि आप एक हैप्पीली लाइफ जी सकें अपने पार्टनर के साथ में। यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है इस वक्त, और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी अग्रेशन से भरी हुई है, गुस्से में है ये पर्सन, किसी बात को लेकर फैसला नहीं कर पा रहा है, काफ़ी परेशान है ये पर्सन और जगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, अपने करियर को बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, बट इससे हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इसमें गुस्सा अग्रेशन बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो इस वक्त की करंट फीलिंग्स है ना, और जिस एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना है। आपके इसके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत ये पर्सन भी चाहता है, आप भी इस पर्सन से चाहते हैं एक नई शुरुआत, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको क्लियर करना। बट ये पर्सन क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में ना इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, यानी कि आप दोनों के बीच जो पर्सन भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मकसद है उस पर्सन का, आप दोनों को अलग करने से उस पर्सन का क्या फ़ायदा है। तो ये पर्सन जो है ना ये सारी चीज़ें काफ़ी नोटिस कर रहा है इन दिनों, और उन चीज़ों को ना आपके इसके रास्ते से हटा देना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम से भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेम है। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के बारे में यही सब सोच रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी।